बच्चों को रात को सोते समय मुंह से उनको लार निकलता है, और आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को रात को यूरिन करने की समस्या हो जाती है, बिस्तरे गीला कर देते हैं, तो उसमें मूल कारण होता है पेट के कीड़े होना या लीवर की परेशानी होना। तो ये कपीले का बीज का पाउडर यदि आप बच्चों को सेवन कराते हैं 1 ग्राम के लगभग या आधा ग्राम की मात्रा में, तो शहद मिला कर चटा देते हैं, तो इससे दोनों ही चीज़ पेट के कीड़े भी समाप्त हो जाएंगे और उस कीड़े से संबंधित चाहे मुंह से लार निकालने की समस्या हो, चाहे रात को बच्चे बिस्तर गीला करने की समस्या हो, दोनों ही समस्या से मिलेगी मुक्ति आपको इस कपीला के बीज के पाउडर का सेवन कराने से। जिन लोगों को पेट के अंदर हमेशा दर्द और पेट के अंदर एक अफारा जैसा बना रहता है, उनके लिए भी यह कपीला का जो बीज है वह बहुत ही कारगर है। तो उनको क्या करना है कि कपीले के बीज का पाउडर करके उसमें सौंठ का पाउडर और इस कपीले का बीज का पाउडर दोनों को मिला करके लगभग 2 ग्राम की मात्रा में या 3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से सेवन करते हैं, तो उससे पेट के जो अफारा है, पेट के जो मरोड़ है या पेट ठीक से साफ नहीं होने की समस्या है वह ठीक हो जाएगा। और जिनका पेट बहुत ही कोमल प्रकृति के हैं, सौंठ तीक्ष्णता की वजह से अनुकूल नहीं पड़ता है, उनको भी यह कपीला का बीज का पाउडर और मुलेठी का पाउडर दोनों को मिला करके प्रातः सायं देते हैं, तो इससे जो आंतों का इन्फेक्शन है, आंतों की जो सूजन है या मल पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, उन सभी स्थितियों में बहुत ही कारगर है कपीला और आपके मुलेठी का पाउडर। बराबर मात्रा में इसका आप कर सकते हैं सेवन, तो यह बहुत ही लाभकारी है आपके पेट के रोगों के लिए, कृमि रोगों के लिए।